نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم تب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعليه وصحب دايم ربدا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت قد حيلتي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتزى وابناهما والفاطمة सलामल तज़ नाजरिनसाम गुफ्तु चल रही थी कि बरवरदिगारम ने बनी इसराइल को अपने दौर में सियासी और मजहबी क़ियादत फरमाई हजरत याकूब अला नबीम की औलाद बनी इसराइल और बिल्कुल उनमें उन पर नमतों की बरसात फरमाई ज़ाहरी नमतें भी अता फ़रमा बानी नमतें भी अता फरमाईं दीनी दुनियवी नेमतों से नवाजा यहाँ तक कि उन्होंने अम्बिया कराम को मबूज फरमाया नबी भेजे और फिर बिलखसूस हदरत जनाब मूसा कलीमुल्ल नबी विक्र हुआ देखिए परवर दिगार आलम फरमाया बनी इसराइल खिताब हुआ बनी इसराइल या बनी इसराइल दसकुरु नमती अल्लती नाम तो अलैकुम और फिर आगे चलकर फिर शाह फरमा या बनी इसराइल अस्कुरु नमती अल्लती नाम तो अलैकुम अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन उन्हें किताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल अल्लाह की उन नेमतों मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की और तुम्हें अपने जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी क़्यादत फरमाई और फिर नबी भेजे मेरे अफसोस जब हजरत जनाब मूसा कलीमल नबी तशरीफ़ लाए तो हजरत है जनाब मूसा कलीमुल्ल नबी स्थार्थ न्वारे स्थार्थ न्वारे की सियादत में मिस्र से फिराउन की गुलामी से नजात दिलाकर हजरत फरमाई और फिर अरवरदिगार याल मेरे साथ फरमाता है वزلنا আলাইकुमल गमाम उन पर बादलों का साया फरमाया व अनजलना अलैकमल मन व सलवा उन पर मन और सलवा नाज़ल फरमाया मफज़रीन ने बयान किया कि बना हुआ बटेर और हलवा यानी उसमें रोस्टर भी था और श्वेत डिश भी थी तो पका पकाया खाना मिलता बादल साया करते अल्लाह अकबर इस कदर नाजो में रखा पाला और फिर जब पानी तलब किया तो आपको हुक्म हुआ कि अपना आसा डंडा पत्थर पे मारे बारह चश्मे क्योंकि बारह कबीले थे हर कबीले का अपना चश्मा अल्लाह अकबर हजरत जनाब मूसा कलीम नबीम की कौम है बन इसराइल है बारह कबीले हैं हर कबीले का अपना चश्मा एक गाड़ पे पानी पीने पे जमा ना हो सके इमामबीस वसल्लम ने कोई फारस से आया कोई रूम से आया कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया पर आलम की अता से सरकार सल अल्लाह तसलम ने सब को एक घाट पर जमा फरमा दिया फरमाया याद करो उस वक्त को जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे फल्ला बैनो फुम बेनते ही अखवाना सरकार दो आलम सल अल्लाह तसल् की तालीमत से आपस में भाईचारा महब्बत दिलों में पैदा फरमा दी और एक घाट पर जमा फरमा दिया तो यूं ग़ुलामी से निजात भी अता फरमाई बादल साया करते खाने के लिए पका पकाया खाना मन व शलवा नादुल होता पीने के लिए बारह चश्मे जारी कर दिए गए मगर उनकी जहनी पस्ती जहनी पस्ती और दिवाली अपन का अंदाज़ा लगाइए कहने लगे वे गुलतुम या मुसल नसविर तमाम वाहिदिन फातोलना रखर जलना तुम बिथ लिहासा वह फोम आदा सिहा वहामतों के मुकाबले में के पका पकाया खाना मन बादनु का साया और बारा चश्मे मगर इन अजीम नमतों के मुकाबले में जैनी पस्ती का मजारा करते हुए कहने लगे हमें प्याज और दार रोटी चाहिए लहसन प्याज और दार रोटी का मुतालबा किया अल्लाह अकबर हाँ मगर इसके साथ साथ परवर के अहकाम की नाफरमानी की यहाँ तक के नबी के कत्ल जैसे अजीम जुर्म के मरतकब हुए तो फिर क्या था जिल तो रसवाई मुखदर बन गई

और नबियों के कत्ल जैसे अजीम जुर्म के मरतकब हुए तो फिर उन पर जिल्लत और रसवाई मुसलत कर दी गई वोत वत वो क़्यादत छीन ली गई और फिर ये क़्यादत रसूल सल्लासम की उम्मत को उम्मत मिल्ल इस्लामिया को उम्मत मुसलिम को अता हुई जिनके बारे में अदरत जनाब इब्राहिम खलील नबीम ने काबतल्ला बनाते हुए

इस खिदमत को अपनी बारग में शर्फ कबूली तथा फरमा इस मुकाम पर ने बयान किया कि जो खिदमत, जो ख़िदमत अमल किसी बारगा में कबूलियत के लायक हो उसके लिए मुजरद का सिगा कबूल इस्तेमाल किया जाता है मगर हजरत जनाबे इब्राहिम ब्राहम खलीलुल्लाह अल्लाह नबी यह नाम वाले सलाम ज़नाबे इस्माइल जबीहुल्लाह अल्लाह नबी यह नाम सलाम ने तकबल का सीखा इस्तेमाल किया तकबल तकبل है तकबल और तकबूलन बाबेतफारुल इसका एक खासा बनावट है तो माना ये बना के अपने आज़ी इनकिसारी की हद कर दी जो इनसा इनकिसारी की हद कर दी के का वो घर तमी किया जिसकी काबतुल्ला का बनाया अल्लाह का गर तमीर किया तो अरवर दिगार की के में करते हैं मफूम ये बनता है मौला ये जो हमने खिदमत की है हम तेरी बारगाह में पेश करने के लायक नहीं समझते तू अपने फजल करम से कबूल यानी देखिए कि शाम के सरसब खत्ते से अपने बेटे और अपनी बीवी हजरत हाजरा सलाम्ह और हज़रत इसमाइल अला नबीम को बचपन के आलम में इस पहाड़ी इलाके में बेआबो गया सहरा में छोड़ गए और फिर अल्लाह अकबर जवान हुए तो अल्लाह का घर किया ल्ला। ल्ला को किया को मगर इस कदर ख़िदमत के बावजूद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला ये हमारी खिदमत अपने फजल से कबूल फरमा हम इसे तेरी बारगाह में पेश करने के लायक नहीं समझते आज जी की इनकी सारी की हद है हम सबक इससे ये सीखी है कि हमें थोड़ी सी शोरत इज्जत मिल जाए कोई मामूली सा काम कर दें तो हम फूले नहीं समाते उसको बढ़ चढ़ कर बयान करते हैं वो तो किसी ने इस मजमून को बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया दो शहर सबक है उसमें कहा जो खानदानी राइस है मिजाज रखते हैं नरम अपना जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नरम अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है और फिर कहा जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा पांव रखते नहीं जमीन पर जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के पांव रखते नहीं जमीन पर अभी से उड़ने लगे हवा में अभी तो शोहरत नई नई है मगर जनाबे खलील नबीम जनाबे जबी नबीम इस अजमत के बावजूद कमाल इज्ज का और इनकिसारी कमाल और हद कर दी है रसूल सल्ला तही वसलम के अरसाद ग्रामी है मनतवाद रफ़ा जो अल्लाह के लिए आज इनकिस का मुहारा करता है झुकता है जितना जितना वह झुकता जाता है उतना ही अल्लाह उसको बुलंद करता जाता है हज़रत जनाब खलील नबी व ने आज इनकसारी की हद कर दी तो बवरद गारालम ने भी इन्नी जायल्ला से इमामा सारी इंसानियत का इमाम बना दिया अल्लाह अकबर तो आप दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी नस्ल से जरूरीत से उम्मत मुसलम पैदा फरमा दे बना दे और उनमें फिर अपने महबूब को बेच दे इज्जत वाला अजमत वाला शान वाला रसूल बेच जो आयतें भी तिलावत करे किताबत भी सिखाए और उनका तजकिया भी फरमाए अल्लाह अकबर तो इमामबिया सल असलम

सरकार सल्लल्लाहु अल्लाह तसल मदीना तैयबा जलवा फरमा हुए सूरह बकर मदनी है मदीना तैयबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसूल सही वसल्लम ने वो जमात वो मिलत इस्लामिया तैयार फरमा दी और उस मिल्ल इस्लामियत उस जमात की कसरत को वाहदत में परोने के लिए उनको ज़ाहरी तवजहत का एक मरकज कहाब्ला को बतोर कबला मुकर फरमा दिया

परवर दिगार बना दिया अल्लाह उर्दू अदब में अल्लाहब की इंतहा को यूं बयान किया जाता है कि फलां को फलां से इतनी महबत है यार उस तो उसके कलमे पड़ता है अरबी जुबान में अरबी अदब में महबत के इंतहा को बयान करने के लिए कहा जाता है कि फलां को फलां से इतनी महब्बत है उसकी मोहब्बत में तो कबला ही बदल देता है अल्लाह अकबर इमामबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबीयत का आलम देखिए परवर आलम ने खालिफ होकर फरमाया फलन वल्लबल तुम तो वाह महबूब तुम्हारी मोहब्बत में हमने कबला बदल दिया वही श्री को कबला बना देते हैं जो आपकी मर्जी है फवल तो वज कशतमसराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला सल अल्लाह तसलम ने वो जमात तैयार फरमाई जो हजरत खलील वाले वसल्लम ने दुआ की थी आपने अपनी निगाह नबूवत से निगाह असर से दिलों को दिलों की दुनिया को बदल कर तजकिया फरमा कर जगमगा कर एक पाकिज़ा जमात तैयार फरमाई और उसकी तरबियत ऐसे खतूत पर

उसी के पेश नज़र ज़ाहरी तवजात का एक मरकज बना दिया के काबतुल्लाह काबत को बना दिया ताकि उम्मत जमात के साथ रहे यदलजमा जमात के साथ रहो अल्लाह का हाथ उसकी रहमत जमात पे है अल्लाह तबार वाल हमें जमाती शोर नसीब फ़रमाए आमीन वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व असहाबिही या सय्यदी या हबीबल्लाह